हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। बस सुबह जॉगिंग चालू है बिकॉज ना कार्डियो नहीं हो पा रहा, जिम में भी नहीं हो पा रहा, तो इसको अभी ऐसे ही करना पड़ेगा। सुबह आधा एक घंटा वॉक और शाम में वर्कआउट के बाद में आधा घंटा कार्डियो। बाय द वे थैंक यू फॉर ऑल योर सजेशंस, क्योंकि हम लोग ढूंढ ही रहते हैं। मतलब मैंने ऐसा दीप्ति को बताया कि देखो भाई स्मार्ट फैन नाम की भी चीज़ होती है। आप लोगों ने कमेंट कर दिया कि कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, कौन सा सीरीज। तो मैं एक्चुअली में गया अंदर, देखा, मैंने देखा कि बहुत सारे, उसमें से मैंने एक सेलेक्ट किया, मुझे पसंद आया, फिर मैंने दीप्ति को दिखाया। शी वाज लाइक अरे वाह मस्त है, इसके बीच में तो लाइट्स भी है, जब आएगा ऊपर से तो एरन भी ऐसा दिख दिख के मस्त खेलेगा, उसको ऐसा लग रहा है। और पता नहीं इसमें लाइट्स है कि वो सेंसर है कि आई डोंट नो। एक बार इसका शॉप पता करता हूँ, दुकान कहाँ है इसका एग्जैक्टली, फिर जाता हूँ पर्सनली विजिट करता हूँ, देखता हूँ कैसी है, फिर वहीं से परचेस करके मैं लेके आ जाऊंगा। और बाय द वे बहुत लोगों ने सही गेस किया वो चीज क्या थी जो मैं परचेस कर रहा था उस दिन, बैग भी देख लिया बहुत लोगों ने। तो यस, इट्स iPhone 13 mini एंड आई एम शूटिंग द वीडियो विथ iPhone 13 mini सिनेमैटिक मोड, वो भी फ्रंट कैमरा से। आपको डॉगीज दिख रहे? मुझे दिख रहे, अभी देखो। तो ऐसा कुछ ब्लर करता है ये, और इसको मैं कल से रगड़ रहा हूँ। मतलब पूरा दिन मैंने इसकी बैटरी लाइफ चेक कर ली, पूरा इसको एक नॉर्मल यूज़ कैसे करता हूँ, फ़ोन को मैंने वैसे यूज़ कर लिया, इसके सारे सिनेमैटिक मोड से लेके मैंने फोटोज से लेके सब कुछ खींच डाले और देख ली कि क्या ये वर्थ इट है कि नहीं। ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि एक हैंड्स ऑन रिव्यू तो करना बनता है इसका, तो स्टे ट्यून्ड। और अभी फिलहाल के लिए आप जाके वो पार्ट देखो जहाँ मैंने जाके फ़ोन परचेस किया था। तो मैं सेल पॉइंट आया और फाइनली मैंने ले लिया। अब इसको ज़रा यहीं पे अनबॉक्स करते हैं, पहले इसका सब चिट्टा करते हैं, फिर घर पे आपको मिलता हूँ, घर पे बताता हूँ एग्जैक्टली फ़ोन कैसा है क्या है, फिर से अनबॉक्सिंग कर लेंगे इसका। और साथ में मैंने जज मैंने मेरे को ये फ्री दिया, मजाक करो करी दे। ये बासित को चाहिए था, लिया मैंने। तो फोन कैसा लगा? क्यूट है, क्यूट है। मेरे से तो बहुत क्यूट है। What is this? दूध का ऑर्डर है। Hey bro, what's going on? Oh, party, हाँ, party, क्या लगता है? वो नया फैन कैसे रहेगा? अच्छा, ऐसा नींद आएगा? ऐसा करके? Oh, got it. तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12, मतलब अभी पूरा दिन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैं जाकर लेके आऊँगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ, लू और निकल जाओ, घर पे आओ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, फिटिंग करूँ, उसके बाद मैं अपना जिम का प्रिपरेशन कर लूँ। क्या बोलते हो सिर ना? या यो, यस यस विल शिंजो सासागे यो, कम ऑन, या ऐसा शिंजो सासागे। बस अभी नाश्ता करके फ्रेश होके मैं यहाँ से निकलता हूँ, जाता हूँ सैंटा क्रूज। तो मैंने शॉप सर्च की है, मैंने कॉल किया, मैंने अवेलेबल है तो बोला हाँ, तो मैं वहीं जाकर अभी उसको पिक करके लेके आने वाला हूँ। जब भी बाहर जाने का सोचो ना कुछ हो जाता है। अभी इतना दूर जाना है मुझे और ऐसी बारिश, कोई सोच रहा हूँ कैसे जाओ, पर अपन दिन तो वेस्ट नहीं कर सकते, नहाते और निकलते। बाय। ये इच्छत है घर पे, ये इच्छत। हाँ, बारिश आने की वजह से थोड़ा रुक के जाना पड़ रहा है, 2 तो यही बज गए, लेट हो गया ऑलरेडी। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? ये सारा चीज़ों में है ना, मेरा जिम का टाइम मिस हो जाता है और मुझे कैसे भी करके 6 बजे तक निकलना पड़ता है जिम के लिए, क्योंकि आने के लिए फिर लेट होता है, वर्कआउट करने के लिए लेट होता है, टाइम खत्म हो जाता है तो पूरा वर्कआउट भी नहीं होता है। तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया सैंटा क्रूज़, जहाँ पर मुझे जाना है अनुपम नोवेल्टीज, वहाँ से मैं समझ लो 5 मिनट की दूरी पे हूँ। पर भाई कसम से पूरे रास्ते इतना पानी भरा है, मतलब ये बारिश है ना आज सिर्फ जस्ट अभी 1 बजे चालू हुई, 1:30-1 बजे बारिश चालू हुई है और इतनी देर में भाई इतना पानी भर गया है, बता नहीं सकता। ये देखो थोड़ी सी बारिश क्या आई सैंटा क्रूज़ में, यह हाल है क्यू में, यह हाल है। तो पहुँच गया मैं और यहीं कहीं होना चाहिए अनुपम नोवेल्टीज, हाँ मिल गया। तो मैंने जिससे बात की थी वो ये दुकान में नहीं, वो ऊपर दुकान पे, तो ऊपर जाना पड़ेगा अभी। तो अभी मुझे यहाँ पे जो एडम्बर का फैन लेना है, मुझे मैं कंफ्यूज है कि कौन सा लूँ,
तो ये मुझे हेल्प करेंगे, तो बताइए जरा कौन सा मुझे लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। एटमबर्ग का रेनिशा प्लस मॉडल आता है, हाँ वो ले लीजिए, BLDC टेक्नोलॉजी है। हाँ तो ब्रेसलेट मोटर होती है, 56 के 75 वाट लेते हैं, ये 28 वाट लेता है। अच्छा तो मतलब क्या है उसमें, मतलब क्या होता है कि अपने को जो नॉर्मल पंखे जो 75 वाट लेते हैं तो बिल ज्यादा खाते हैं। अच्छा ये बिल कंज्यूम होते हैं। अच्छा पावर शावर होते हैं, एंटी डस्ट डस्ट भी नहीं पकड़ता, डस्ट भी नहीं वेस्ट। तो ये वाले पे नहीं पकड़ता है बोलो? हाँ, ये वाले पे नहीं पकड़ता है, इस पे पकड़ेगा। हाँ, नॉर्मल वाले पे पकड़ेगा। ओके तो और क्या इस पे फीचर क्या अलग अलग है इसमें, कौन सा दो मॉडल है इसमें? इसमें रेनिशा और रेनिशा प्लस, और दूसरे एक मॉडल है जो स्मार्ट मॉडल आता है। अच्छा जो IoT है, एलेक्सा गूगल से ऑपरेट होता है, गूगल ऐप से भी चलता है। तो वो कौन सा वाला है इसमें? रेनिशा प्लस। वो रेनिशा प्लस फोर कलर है इसमें, नेचुरल ऑफ बोर्ड, गोल्डन ऑफ बोर्ड। अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कलर को लेके कि कौन सा लूँ, क्योंकि चार कलर है, चारों अच्छा, चारों में ना बस जबरदस्त फीचर्स बता दिए। अगर व्हाइट है तो व्हाइट कर सकते हैं। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मुझे ये पर्सनली ये वाला मुझे अच्छा लगा, नेचुरल बोर्ड के जैसा दिखता है, नेचुरल के जैसे लकड़ी होती है, फर्नीचर के साथ मैच करता है, ये बेस्ट है। इसका जो कलर की जो कोटिंग है ना, डल नहीं होगी, वो फिनिश रहेगी। अच्छा लास्ट तक। अच्छा बाकी कैसे जो नॉर्मल पंखे होते हैं, एक बार शॉप के तो दूसरी बार शॉप करने में डल हो जाते हैं। तो LED की इधर पे क्या? हाँ यहाँ पे है। तो एग्जैक्टली क्या LED मतलब क्या लाइट है कि क्या है एग्जैक्टली? LED वाला लाइट नहीं है, ये इसका इंडिकेटर है, 1-2-3 स्पीड का बताता है। अच्छा तो फिर अपना बंद करेंगे तो बंद भी रख सकते हैं, चालू करेंगे चालू भी रख सकते हैं। पर प्लस पॉइंट इसमें यह है कि जब पंखा कभी गर्म नहीं होता है। ओ हाँ, नॉर्मल पंखा कैसे अपना नीचे से गर्म होता है, ये अपने समझो कि 48 घंटे 48 आवर्स भी चालू रखा, कभी गर्म नहीं होता, तुरंत आप क्लीन कर सकते हो। ओ अच्छा, तो अभी शाम हो गई है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं सोच रहा यही लेके इसको ही पैक करा के यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि बहुत बारिश आज जगह जगह पानी भरा है, तो मुझे फंसना तो नहीं है। तो अभी मैं पैक करवाता हूँ। सुनिए, ये वाला, ये गोल्डन ओक वाला, ये गोल्डन ओक वाला, यस। मैं भी यहाँ से निकलता हूँ और आपको घर पे ही मिलता हूँ। कितने पीछे है सर? ओके थैंक यू। बारिश बहुत ज्यादा है, पता नहीं ये बिना भीगे मैं फैन कैसे लेके जाऊंगा। पूरा रैप करके तो अच्छे से दे दिया है, पर भीगना नहीं चाहिए बस, अभी मैं खुद भीग नहीं जाऊँ, बस वही होप कर रहा हूँ। बाप रे बाप, इतनी बारिश और इतना ट्रैफिक मिला मुझे, बता नहीं सकता। जैसे तैसे मैं पहुँच तो गया, फैन तो नहीं भीगा बट मैं भीग गया। तो आ गए अताउल्ला इलेक्ट्रिशियन, फेमस इन माड़ा। तो ये रहा वो फैन। तो अभी इरेन बाबा को हमको लेके जाना है बाहर, तो यहाँ चढ़ के ऊपर का फैन अभी निकाल देंगे, टाटा बाय बाय हो जाएगा। इसको निकाल के हम लोग लगाएंगे बाहर, बाहर वाला जो अभी बन रहा है वो लगेगा यहाँ। अच्छा तो रिमोट ऐसा है क्या? क्यूट है। तो ये रहा वो फैन, ये कुछ ऐसा दिखता है। अल्लाह सर जी बहुत ध्यान से इसको लगा रहे हैं। कंग्रेचुलेशन ऑन योर परचेज, योर पावर सेविंग स्टार्ट नाउ। ये इसका वारंटी कार्ड, 2 years वारंटी, बट नीचे लिखा है देखो, फॉर एडिशनल 1 year एक्सटेंशन रिफर टू एक्सटेंड वारंटी कार्ड अपना टोटल। तो मतलब 3 साल की वारंटी पकड़ लो, प्लस 350 से ऊपर सर्विस सेंटर है इसके। तो ये हो गया, चलो आ जाओ अंदर। तुम्हारी हाइट कितनी है? 46 मतलब 6 फीट। उनके प्रोफेशन के हिसाब से उनकी हाइट परफेक्ट है, टूल की जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मल काम के लिए। तो लग गया फैन, कुछ ऐसा लग रहा है। क्या बात है, हवा लगेगी तब पता चलेगा। हाँ मेरे बच्ची को हवा लगनी चाहिए, बस आई ना यहाँ तक आई। अभी इसमें स्मार्ट इंडिकेटर लाइट है, तो मतलब तू जितने स्पीड पे रखेगी ना उतना वो लाइट वैसा होता है। अगर तेरे को पूरी LED चालू रखनी है तो जो बटन तूने अभी दबाया LED वाला, तो उससे ये चालू रहेगा। और ये जरूरत नहीं है डिम लाइट की। हाँ तो ऐसा रात में डिम लाइट का काम कर रहा है, सही ना? वो रात को उठ के वो ऐसा ऊपर देखते रह गए। अभी और अभी तेरे को एक इसमें खुशखबरी सुनाता हूँ, सबसे बड़ी खुशखबरी, इसका डिजाइन तो अच्छा है बराबर, मॉडर्न फिनिश एकदम सब, लेकिन मैं जहाँ से खरीदा तो उन्होंने मुझे क्या बोला, ये डस्ट भी है, मतलब इस पे डस्ट नहीं बैठेगा, तू साफ करने की जरूरत ही नहीं। संभाल। और ये चालू हुआ फैन, नहीं चालू होगा, पहले इंडिकेटर चालू होता है, टिंग 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 टिंग, फिर उसके बाद स्मार्ट है ना।
बात है, मेरे को सच्चे में यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ये सब फीचर्स लाए हैं। मैंने कुछ नहीं लाया, सबने नीचे कमेंट किया, एटम बग का पेन चेक कर लो, पसंद आएगा ले लेना। क्या टेक्नोलॉजी हो गई है यार, मतलब फैन भी स्मार्ट हो गए आजकल, मतलब ये इसमें स्मार्ट फैन, डिमलाइट, अच्छा ये डस्ट फ्री, ये गूगल होम होता है ना, गूगल होम आता है, डिवाइस आता है ओके गूगल जिसमें बोलते हैं, तो हाँ वो उससे कनेक्ट हो सकता है, ओके गूगल बोल के भी तू ऑपरेट कर सकती है उसको, वाईफाई से है ना, ऐप से भी हो सकता है, इसका गोरिल्ला करके ऐप है और डाउनलोड करने का, वो बताता हूँ मैं, उसमें भी होता है। तो और एलेक्सा अगर तेरे पास रहेगा ना, एलेक्सा होम, ये एलेक्सा भी लेकर आओ ना, सभी स्मार्ट बन रहे तो हम लोग नहीं बन, देख रहे हो खर्चे। ये लो उतरो पहले और ये पियो गर्मा गर्म चाय, बिकॉज मैंने बनाया। वाह, शुक्रिया। पियो पहले बताओ कैसी बुरी है तो काट दूंगा ये। नहीं सच में बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है, तू झूठ बोलू यार। और ये बात से आज तक किसी ने इनकार नहीं किया और अपन ने घमंड भी नहीं किया। तो यहाँ का फैन लग गया, यहाँ का भी लग गया, ये जा रहे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर आना वापस। तो ये रिमोट अब मेरे पास रहेगा, ठीक है, रात में मेरे पास ही रहेगा, जब मेरे को लगेगा मैं कम ज़्यादा कर लूँगा। वही देख, इसमें एक टाइमर भी है और एक स्लिप मोड भी है। ओ स्लिप मोड है इसमें, स्लिप मोड, अरे ऊपर का वॉल्यूम जरा LED चालू करता देखने दे इसको। स्लीप अभी ये सब भागदौड़ के बीच में आज फिर से मेरा जिम छूट गया, आज फिर से मैं जा नहीं पाया, तो वर्कआउट हुआ ही नहीं मेरा। अब वर्कआउट नहीं हुआ तो एक ही चारा है मेरे पास, वो घर पे जाकर वर्कआउट करने के लिए, पर टाइम देखो क्या हो रहा है, समझ रहे हो, 10:45, तो अब नहीं जाऊंगा तो आज का कैंसिल ही हो जाएगा मेरा वर्कआउट, तो मुझे वो नहीं करना है, वर्कआउट कंटिन्यू रखना है मुझे, क्योंकि अच्छा खासा वेट लॉस हो रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं सर गड़बड़ नहीं करनी है। तो मैं जाता हूँ वर्कआउट करके आता हूँ, जस्ट अभी मैं वर्कआउट करके आया और मैं क्या देखता हूँ, ये पैसा वसूल हो गया यार, सीरियसली। और खाने में आज क्या बना है, ये क्या है, ये चिकन वेजी स्टर और सूप जैसा, सेमी सूप, मतलब उसको सूप बना दिया, जो रेगुलर मेरा मील रहता है ना, बस उसको थोड़ा सा वाटरी कर दिया, यही है। दिस इज द नेक्स्ट डे, और आज ऐसा पहली बार हुआ है कि फैन की वजह से मेरी नींद नहीं टूटी, मतलब रोज ऐसा ही होता था कि कभी फैन फास्ट करो कभी स्लो करो, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर एकदम अलग है, लोग बोलते हैं मुंबई में गर्मी हो रही है बट यहाँ कुछ अलग ही है, जहाँ मैं रहता हूँ कभी ठंडी कभी गर्मी, तो हमेशा ऐसे ही होता था, रात में मेरी हमेशा नींद टूटती रहती थी, फैन स्लो करो फास्ट करो स्लो करो फास्ट करो, तो ऐसा मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी आज। तो स्मार्ट फैन होते हैं पता चल गया ना अब। मुझे नहीं पता था सच्ची में, बट प्रूफ कर दिया आपने, मैंने नहीं सब लोगों ने मिलके किया नीचे कमेंट बता के। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बिकॉज इसके आगे अगर मैंने हैंड्स ऑन रिव्यू डाला तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, काम करते हैं जो हैंड्स ऑन रिव्यू है वो अगले ब्लॉग में डालते हैं, और इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर आप में से किसी को भी स्मार्ट फैन में अपग्रेड करना है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ एटम बग का, आप जाके चेकआउट करो जैसे मैंने किया, ये शॉप्स में भी अवेलेबल है तो जाके आप फिजिकली भी चेक कर सकते हो जैसे मैंने किया, जाकर देखो कैसा है, पसंद आया तो ले डालो, ये भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पीस आउट। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, क्योंकि हैंड्स ऑन रिव्यू मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया है बट वो अगले ब्लॉग में डालूंगा, बहुत मेहनत की इसको, पूछो बाप रे इतना मेहनत किया कि हम लोग को एक कमरे में बंद किया था मेरे को। अरे